हम लोग उनकी लंबी आयु की शुभकामना करते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं। सेल्फी कितना दोगे? जनता का सेल्फी दो तो हम सब उनके दीर्घायु की कामना करते हैं कि लड़ाई लंबी है, जब तक लड़ाई मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। हमारे सामने लालू यादव नेता हैं, इस नेता की अगुवाई में हम मंजिल तक पहुंचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए 10 नंबर सर्कुलर आवास राबड़ी देवी का आवास है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर आज लालू प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं गुलदस्ता लेके। आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव का 77वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना देने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुँच रहे लोग। MLC भी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, काफ़ी खुश नज़र आ रहा है? जाहिर सी बात है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश आज उनका जन्मदिन मना रहा है और सारे लोग खुश हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन की खुशी में पूरे बिहार में हर प्रखंड हर पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और तमाम लोग खुद ब खुद गरीबों में जो करना है वो सब कर रहे हैं, प्लस हर प्रखंड में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, या पूरे देश भर में लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का इंतजार तो लंबे समय से आप लोगों का रहता है कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन वो खास तौर पर सब लोग मनाते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव जी इस देश के नेल्सन मंडेला हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है, अगर भारतीय जनता पार्टी डरती है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से डरती है, तेजस्वी यादव जी से डरती है। तो भाजपा के बेसैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो आदरणीय लालू जी में है। तो लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के रथ को रोकने का हमेशा काम किया है। लंबे आयु का कामना भी करते हैं, दीर्घायु। सब लोग उनको दुआएं देते हैं। इस मौके पर हम लोग हमारी रोहिणी बहन जो हैं उनको भी सब लोग दुआएं दे रहे हैं कि उनकी वजह से आज आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के स्वस्थ हुए, उनकी किडनी बदली, उन्होंने अपना किडनी देने का काम किया। सब लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको 100 साल से भी ज़्यादा उम्र दे, उनका स्वस्थ रहना और उनको ज़िंदा रहना स्वस्थ के साथ देश के लिए, समाज के लिए और गरीब गुड़वा के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लालू प्रसाद यादव के आवास पर युवाओं की भीड़ है, युवा हाथ में गुलदस्ता लेकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन की बधाई देने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस दिन का लंबे आज देखिए बहुत खुशी का माहौल है। आज हम लोग के भगवान जो हैं आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं? हाँ, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मिलने का मौका मिल रहा है। हाँ, हम लोग उनकी लंबी आयु की शुभकामना करते हैं और देश को अभी उनको देश को और समाज को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और देश की और समाज की सेवा करते रहें। बहुत लंबा एक बात केवल सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान, इसी की रक्षा के लिए राजद खड़ा है। गांव के किसान, गरीब, गुरु, सबके लिए हमारा कमिटमेंट रहा है जो पार्टी का, हम उस पर आज भी खड़े हैं, आगे भी हमारा वही, हम किसी उद्देश्य को बदलते नहीं है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल शाश्वत है, उसी पर पूरी पार्टी टिकी हुई है। आज जन्मदिन क्या बधाई दी आपने? हाँ, आज जन्मदिन है आपके, सुप्रीमो का क्या बधाई दी? मैसेज केवल एक, नौजवानों लगे रहो, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को, रक्षा, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों की करते रहो, ये गांव जिंदा रहेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कल जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, तो कौन सी आपको लगता है चलेगी सर? है वो मंत्री परिषद है, चल बोल कर दीजिए, नौकरों की नहीं। जो लोग आज तक जिनको आज़ादी का सुगंध नहीं मिला है उनके प्रतीक के रूप में लालू यादव जी हैं। हम सब उनके दीर्घायु की कामना करते हैं कि लड़ाई लंबी है, जब तक लड़ाई मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। हमारे सामने लालू यादव नेता हैं, इस नेता की अगुवाई में हम मंजिल तक पहुँचे। आपको सबसे पुराने लोगों में से रहे हैं, कैसे देखते हैं आजकल लालू यादव को? क्या वो उतने फिट हैं? अगले साल फिर चुनाव भी है। फिट शरीर से नहीं होता है, फिट मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। लालू यादव आज भी उसी तेज, उसी बेग, उसी साहस के साथ लड़ने के लिए और लोगों को
उत्साहित करने के लिए आज भी उसी तैयार के साथ है। उन पर चार्जशीट फिर से कर दिया है सीबीआई ने, करने दीजिए। ये सबसे जब होता है ना तो जो कमज़ोर लोग होते हैं यही सब काम करते हैं। हिटलर क्या कहा था कैबिनेट का, अभी बांग्लादेश की राष्ट्रपति क्या की थी, ये सब कैबिनेट का विस्तार भी हुआ बिहार में, चार कैबिनेट। सबको शुभकामना, सबको शुभकामना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, हमेशा मांग उठाते हैं तो मिल जाए, हमको खुशी है। चलिए देखिए, राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास है यहाँ पर। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, राजद के कार्यकर्ता तमाम वो बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुँचे हैं बधाई देने के लिए, विदय उदय नारायण चौधरी भी पहुँचे, तमाम वो जितने भी नेता हैं वो धीरे धीरे राबड़ी देवी आवास 10 सर्कुलर आवास पर पहुँच रहे। काफ़ी उत्साहवर्धन है राजद के कार्यकर्ताओं में। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।